वो मौत तो काफी पहले ही मांग रही थी, लेकिन 42 साल तक एक जिंदा लाश की तरह उसे बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा। एक घिनौनी हरकत की शिकार मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग पर देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। एक थी अरुणा। अरुणा शानबाग ने आज आखिरी सांस ली। 42 साल तक अरुणा एक जिंदा लाश की तरह उसके बिस्तर पर पड़ी रही। आखिरकार अरुणा को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस दुनिया में महिलाओं को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाएगा। बयालीस साल तक उसकी जिंदगी मौत के साथ लेटी रही, जैसे बिस्तर पर दोनों साथ साथ सो रही हो। आखिरकार जिंदगी चुपके से बिस्तर से उतरकर चली गई और मौत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में 4 दशकों से अपने निष्क्रिय देह ढो रही अरुणा शानबाग हमेशा के लिए शांत हो गई है। 66 साल की अरुणा को पिछले दिनों न्यूमोनिया हो गया था, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अरुणा को उसके छोटे से एकाकी कमरे से निकालकर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस बार तदबीरें काम ना आई। अरुणा शानबाग इस बार सांसों के संघर्ष में हार गई। इन नारकीय वर्षों में घर वाले तो साथ नहीं थे, अस्पताल की नर्स साथ थी। अरुणा ने उस कमरे को अचानक खाली कर दिया है। उसके जाते ही अनगिनत लम्हे भी वहां से गुम हो गए हैं। ज्यादा हो ना, समझो अभी एक बच्चा लोग ऐसा थू करते हैं तो फेंक देती थी। जब उसको खत्म हुआ उसका खाना जितना ही मांगता था उतना ही लेती थी, और ज्यादा देगा अपन तो थूक करती थी। कितने सालों से आप उनकी देखभाल करें? कितने सालों से? 1978 से। ये हादसा हुआ था तब आप थे यहाँ? नहीं, तभी उसका हम आने के पहले उसका हादसा हुआ। ১৯৭৩ में एक वार्ड बॉय अरुणा पर वहशी की तरह टूट पड़ा था। बलात्कार के बाद उसने अरुणा के गले को कुत्ते को बांधने वाली चेन से दबा दिया था, जिसके बाद उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। तब से अरुणा एक निष्क्रिय जिंदगी जी रही थी, और अपने नाम के अनुरूप पिछले 42 सालों से संजीवनी ने उसे जिंदा रखा था। इसलिए संजीवनी चाहती है कि अरुणा के अंतिम संस्कार का हक भी उन्हें ही मिले। तो अब आप चाहते हैं कि अंतिम संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार सब आप लोग ही करेंगे? नर्सेस, डॉक्टर, हम लोग ही, कर्मचारी हम लोग ही करेंगे। अरुणा को इच्छा मृत्यु देने की वकालत करने वाली पिंकी वीरानी कह रही है कि अरुणा रोज मर रही थी, आज जब उसने आखिरी सांस ली तो भयावह सपना खत्म हो गया। जिंदगी और मौत के इन वर्षों में अरुणा ज्यादातर समय गुमनाम रही। पिंकी वीरानी ने उसकी दुखद जिंदगी पर एक किताब लिखी है। आज उसकी जिंदगी की असली किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा गया है। अरुणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अरुणा और निर्भया जैसी भुक्त भोगियों की कहानी हमारे साथ चल रही है। वो कहानियां हमारी आत्मा को कचोटती हैं। आखिर कब तक पुरुषों की दहकती आंखें इन्हें जलाती रहेंगी? मुंबई से अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो। जिस अस्पताल में अरुणा नर्स बनकर लोगों की सेवा किया करती थी, उसी अस्पताल में अरुणा की सेवा के लिए पूरा अस्पताल जुट गया। डॉक्टर प्रज्ञा आज मायूस है, क्योंकि 42 साल तक डॉक्टर प्रज्ञा ने अरुणा की सेवा की। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। 42 साल तक जंग लड़ने के बाद अरुणा शानबाग अब इस दुनिया में नहीं रही। इस वक्त हमारे साथ KEM हॉस्पिटल की एक्स डीन प्रज्ञा पाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, जब आपने ये खबर सुनी, क्या पहला रिएक्शन था आपका? जरा सा दुख हुआ, मगर मुझे अच्छा लगा, समाधान हुआ कि अभी उस भगवान ने उसे मुक्ति दे दी। बहुत साल से वो थी और वो तो हैरान होती थी, उसको पता नहीं होगा शायद, मगर हमें लगता था कि अच्छी तो होने वाली नहीं है, तो छूट गई। मैम, आप 10 साल तक थी KEM अस्पताल में, आपने बहुत नज़दीक से अरुणा को देखा हुआ था, किस तरह की पीड़ा थी उनको, और आपकी कोई अगर याद जुड़ी हो तो वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। अंग्रेजी में जिससे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं, कि व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है, सब ऑटोमेटिक फंक्शन चालू रहते हैं, ऐसी कुछ उसकी हालत थी। और जब मैं KEM में गई 89 में,
तब उसके साथ बातचीत करने के बाद अंदाज मिला कि बोल तो नहीं सकती है, मगर उसकी वय उम्र अबाउट 7-8 महीने के बच्चे इतनी है, तो उसके पास कुछ अच्छी तरह से बातचीत की, कुछ गाने गाए, कुछ कहानियाँ सुनाई। उसकी मातृभाषा कोंकणी थी, मैं कोंकणी बोल सकती हूँ, कोंकणी में कहानियाँ सुनाई। जोर से हंसती थी, मुस्कुराती थी, गुस्से में आई तो चिल्लाती भी थी। और खाने पीने के लिए भी उसकी पसंद क्या है धीरे धीरे मुझे पता चला, क्योंकि इतने साल से वो हॉस्पिटल का खाना ही खाती थी, तो वो भी मैंने शुरू कर दिया। और उसको ड्यूटी पर थी तब एक वाता बनाओ, हॉस्पिटल की स्टाफ थी, हॉस्पिटल की पेशेंट थी, और घर के कोई आते नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ बोथ लीगल ऑल्सो, ऑफिशियल ऑल्सो, और इमोशनल भी पीछे, एक घर का बच्चा का जैसा लग रहा था मुझे। वैसे तो 42 साल से अरुणा दुनिया से बेखबर रही, लेकिन जब अरुणा की मौत की खबर आई तो मानो पूरा शहर सुन हो गया, KM अस्पताल मानो थम सा गया। इस अस्पताल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। 42 साल तक कोमा में रहने के बाद KM अस्पताल ने अपना सबसे प्यारा मरीज यानी कि अरुणा शानबाग को खो दिया है। इस वक्त हम KM अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर अरुणा शानबाग का जो पार्थिव शरीर है यहां पर रखा गया है। 1973 में अरुणा शानबाग के साथ में बुरी तरह से बलात्कार हुआ था, सेक्सुअली उन्हें असॉल्ट किया गया था। उसके बाद से वो लगातार कोमा में थी। जो स्टाफ है वहाँ का, वो हमेशा यही कोशिश करता था कि अरुणा शानबाग की जो तबीयत है वो बेहतर की जा सके, लेकिन जब हमने जो यहाँ पर एक्स डीन रह चुकी हैं प्रज्ञा पाई, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जब वो 1989 में यहाँ पर आई थी तब उन्होंने जब जानकारी जो दी है उसके मुताबिक उस वक्त 7-8 महीने का जो दिमाग रहता है बच्चे का वही उनका दिमाग था। वो खाती थी, पीती थी, म्यूजिक का बहुत शौक था उनको, कभी कभी गुस्सा भी करती थी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अरुणा शानबाग के साथ में 42 साल कोमा में रहने के बावजूद भी जो स्टाफ था यहाँ का वो काफी पसंद करता था, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में जितने भी लोग हैं जो KM अस्पताल में काम करते हैं, स्वीपर से लेकर नर्सेस से लेकर तो डॉक्टर से लेकर हर कोई यहाँ पर है आखिरी विदाई देने के लिए, क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफी अहम है। जो उनका सबसे प्यारा मरीज था अरुणा शानबाग के रूप में आज उन्हें अलविदा कह चुका है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। 1973 की वो रात अरुणा के लिए काफी खौफनाक रही। एक वो रात थी जिस रात ने अरुणा की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। आखिरकार क्या हुआ 26 साल की अरुणा के साथ उस रात, देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। 27 नवंबर 1973 की शाम मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल यानी KEM अस्पताल की नर्स अरुणा शानबाग रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंची। वार्ड जाने से पहले वो यूनिफॉर्म पहनने बेसमेंट में बने डॉग सर्जरी रूम में दाखिल हुई। उस अंधेरे कमरे में छिपे साये से बिल्कुल बेखबर जो खास उनके लिए एक हाथ लगाए बैठा था। ये साया उन्हीं के वार्ड में काम करने वाले सफाई कर्मचारी सोहन लाल का था और उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। मौका मिलते ही हाथों में जंजीर लिए वो उनकी ओर तेजी से लपका। इससे पहले कि अरुणा संभल पाती, सोहन लाल उन पर किसी वहशी भेड़िए की तरह टूट पड़ा। रात भर बेहोश पड़े रहने के बाद अरुणा को डॉक्टरी मदद हादसे के 15 घंटे बाद सुबह करीब 8 बजे मिली, लेकिन तब तक अरुणा एक जिंदा लाश में बदल चुकी थी। उनके गले पर जंजीर के दबाव से दिमाग के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। अरुणा कोमा में चली गई। इस हादसे के 2 महीने बाद वो कोमा से बाहर तो आ गई, पर अब न तो वो देख सकती थी न बोल सकती थी। अरुणा के साथ हुई इस अमानवीय घटना को लोगों तक पहुंचाया पत्रकार पिंकी विरानी ने, जिनकी किताब अरुणा स्टोरी ने इस मामले के हर छिपे पहलू का खुलासा किया। किताब छपने के बाद कानून के रखवाले ही कानून की खामियों से शर्मसार थे। हादसे की तहकीकात के दौरान अरुणा की सोने की चेन और घड़ी सफाई कर्मचारी सोहनलाल के पास से बरामद हुई थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। घटना के एक साल के अंदर मुंबई सेशन कोर्ट ने सोहनलाल भरता वाल्मीकि को IPC की धारा 307 और 397 के तहत हत्या की कोशिश और करीब 500 रुपए के सामान की चोरी के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई। बलात्कार का इल्जाम अदालत में उठा ही नहीं, क्योंकि अरुणा के साथ हुए बलात्कार का जिक्र मेडिकल कागजों में कहीं नहीं था। जिस घिनौने ढंग से बलात्कार किया गया था वो देश के बलात्कार कानून के दायरे से ही बाहर था।
रेप एनली हुआ था, जो इंडियन लॉज में 376 नहीं होगा, विच इज़ रेप, विच इज़ पीनस इनटू वजाइना, लेकिन 377 जिसको अननेचुरल सेक्स कहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक रेप का कंप्लेंट छोड़ो, पुलिस पेपर्स में कोई नॉर्मल कंप्लेनेंट भी नहीं है। सजा की मियाद खत्म होने के बाद सोहनलाल दिल्ली के एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी पर दोबारा लग गया। आज कोई ये नहीं जानता कि सोहनलाल या अरुणा के परिवार वाले कहाँ हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।